पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या है और ये कैसे आपकी हेल्प कर सकता है। डोलोरेस कैनन के अनुसार पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोथेरेपी का एक जेंटल फॉर्म है जो किसी व्यक्ति को उनके अवचेतन मन में छिपी पिछले जन्म की यादों और अनुभवों तक पहुँच कर उन्हें फिर से जीवंत कर देता है। इस प्रक्रिया में थेरेपिस्ट समय में पीछे जाकर अपने सब्जेक्ट के पिछले जन्म के व्यक्ति से आमने सामने बात कर सकता है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपकी काफी तरीके से सहायता कर सकता है। पहली बात, पास्ट लाइफ रिग्रेशन मृत्यु के भय को दूर करता है और ये बताता है कि व्यक्ति पहले कई बार मृत्यु का अनुभव कर चुका है और भौतिक की दुनिया से भी परे एक अस्तित्व है। दूसरा, आपको ये समझने में सहायता करता है कि आप क्यों कुछ स्थानों से गहरा संबंध महसूस करते हैं। तीसरा, अपने वर्तमान में आपके सोलमेट के बारे में जान सकते हैं। चौथा, आप अपनी शारीरिक बीमारियों की पहचान करके आप उसे ठीक भी कर सकते हैं। पांचवा, उन अनरिजॉल्व इमोशंस को आप रिजोल्व कर सकते हैं जिन्हें आप समझने में असमर्थ रहे हैं। मृत्यु की प्रकृति क्या है और लोग मृत्यु से क्यों डरते हैं। डोलोरेस कैनन बताती है कि मृत्यु को हमेशा से हर संस्कृति एक मिस्ट्री और अननोन घटना के रूप में देखती है, जहां हर इंसान को अपने अस्तित्व के बारे में चिंता लगी रहती है, जिससे इंसान में एक तरह का भय उत्पन्न होता है। क्या आप जानना चाहेंगे कि मृत्यु के बाद आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आता है या नहीं। डोलोरेस कैनन पास्ट लाइफ रिग्रेशन द्वारा रिसर्च करती है और अपनी रिसर्च के माध्यम से उसे पता चलता है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति की पर्सनैलिटी बरकरार रहती है। कैनन का सामना ऐसे कई व्यक्तियों से होता है जो अपनी धार्मिक विश्वासों से अलग होने के बावजूद सभी अपने मृत्यु के बाद के अनुभव को एक ही तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं। इन अनुभवों में मृत्यु के बाद व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी, गुणों और यादों को बनाए रखता है। भले ही मृत्यु का तरीका कुछ भी हो, उनका सुझाव है कि मृत्यु के बाद के जीवन से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इस ट्रांजिशन पर खुशी मनानी चाहिए। इस भौतिक दुनिया से परे क्या है? क्या हम वास्तव में इस संसारिक शरीर से परे किसी प्रकार का जीवन है? रिनाउंड हिप्नोथेरेपिस्ट डोलोरेस कैनन ने बताया कि मृत्यु के बाद ज्ञान का एक नया आयाम खुल जाता है, जहां तुम्हें हर तरह की जानकारी उपलब्ध होती है। अभी इस भौतिकी शरीर में हम सीमित है और हमारा ज्ञान भी सीमित है, लेकिन मृत्यु के बाद इस सीमा का दायरा खुल जाता है। रिग्रेशन थेरेपी के माध्यम से उन्होंने कॉन्शियसनेस को एक्सपेंड किया और उन सच्चाइयों को उजागर किया जो सदियों से कोई नहीं जानता था। लेकिन क्या होता है जब हम मृत्यु के बाद एक नए जीवन में ट्रांजिशन करते हैं और ये अनुभव हमारे आध्यात्मिक विकास के आधार पर कैसे अलग हो सकता है। कैनन के अनुसार जीवन से परलोक तक की यात्रा अत्यंत व्यक्तिगत है, हालांकि कुछ समानताएं हैं, जैसे कि शरीर छोड़ने की अनुभूति और अपने शरीर को दूर से देखना, लेकिन भावनात्मक प्रतिक्रिया भिन्न हो सकती है। कुछ लोग डर महसूस करते हैं जबकि अन्य लोग प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, विशेष रूप से वे लोग जिनके पास अधिक आध्यात्मिक ज्ञान है।